Namaste. Welcome to my channel. I am Vimi Dogra, sociologist, neurologist, astrologer, and Vastu expert. आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ और उस रिश्ते के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ. उस रिश्ते में खटास मिठास दोनों है, यानी ये दोनों का मिक्सचर है. भले रिलेशन कौन सा भी हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, बहन बहन का हो या देवर भाभी का हो, लेकिन आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, सबसे प्यारा रिश्ता यानी सास और बहू का रिश्ता. आज का अपना टॉपिक होगा सास और बहू के संबंध के बारे में. रिलेशंस को निभाने के लिए कोई भी रिलेशन हो, कोई भी टाइप का रिलेशन हो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. और ये रिश्ता तो ऐसा है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा जरूरी है. चलिए हम इस पे रोशनी डालते हैं, दोनों के रिश्ते पे, सास और बहू के रिश्ते. जमाना काफी बदल गया है. आजकल काफी देखने को मिला है कि मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लगी है. पहले के जमाने में क्या, शादी होने के बाद बहू ज्यादा करके साथ में ही रहती थी तो उससे मन मुटाव बहुत होता था. लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. काफी जगह देखा गया है कि शादी होने के बाद कपल प्राइवेसी चाहते हैं तो वो अलग रहने लग जाते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है, अलग रह के भी प्यार बना रहे वो ज्यादा जरूरी है. एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. अगर आप साथ में रहेंगे, एक दूसरे को गुस्से से देखेंगे, तकरार ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो जो प्यार होना चाहिए वो नहीं रहेगा. भले दूर रहे लेकिन प्यार रहना बहुत जरूरी है. ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है क्योंकि ध्यान रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि सास और बहू का रिलेशन ऐसा है कि कब किसके दिमाग में क्या आ जाए कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ज्यादा करके सीरियल्स में दिखाया जाता है, टीवी सीरियल्स में बहुत बुरी तरह दिखाया जाता है कि सास बहू में तकरार हो रही है, झगड़े हो रहे हैं. 90% सीरियल्स में तो ये दिखाया जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट समाज में बहुत बुरी तरह घर बन चुका है कि सीरियल्स में, हर सीरियल्स में देखा है कि सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट दिमाग पे रहता ही है. लेकिन ये सीरियल है, रियल जिंदगी नहीं है. तो इसलिए वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि शादी होने के बाद झगड़े होते ही हैं. कुछ रिलेशंस तो सास बहू के इतने अच्छे होते हैं, बेटी और माँ की तरह इतनी अच्छी बाउंडिंग्स होती है उसमें. जहाँ रिश्ते खराब हैं वहाँ अच्छे भी हैं. जब नई दुल्हन शादी होकर घर में आती है उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसे टाइम देना बहुत ज़रूरी है. वो एक अलग माहौल से आती है और नए माहौल में ढलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा ही. जहाँ उसे अपनी मदर इन लॉ के साथ अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है और साथ ही साथ बाकी की फैमिली के साथ उसे सामंजस्य से बिठाना है, इसीलिए थोड़ा वक्त दीजिए. भी मदर इन लॉ को भी लगा रहता है कि बहू को किसी चीज़ के का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ इन दोनों के रिलेशन पर ही पूरी घर की नींव टिकी है. अगर ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में रहें तो पूरी फैमिली में सुख शांति बनी रहेगी. मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ को पहले से ही सोच लेना चाहिए या तय कर लेना चाहिए कि इस रिलेशन की शुरुआत प्यार और दोस्ती से करेंगे. यदि इस रिलेशन की शुरुआत प्यार और दोस्ती से करी, ये रिलेशन बहुत ही एक प्यारा रिलेशन बन जाएगा. इसलिए इस बात का ख्याल रखें, एक दूसरे को सास बहू या बहू सास इस रिलेशन में ना जाकर दोस्ती और प्यार का रिलेशन रखेंगे तो ये रिश्ता बहुत ही प्यारा है. डॉटर इन लॉ भले ही आज के ज़माने की लड़की है लेकिन फिर भी मदर इन लॉ के अपनी उम्र का उन्हें ज़्यादा तजुर्बा है, इसलिए वो जो भी बोलेंगे आपकी भलाई के लिए ही बोलेंगे. रिश्ता भले कौन से भी टाइप का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, दोस्ती का हो या और कोई रिश्ता हो, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है. और ये तो रिश्ता मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का है तो इसमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए इस रिश्ते में ज़्यादा आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें. ज़्यादा करके डॉटर इन लॉ का रोल ज़्यादा होता है कि मदर इन लॉ आपकी मम्मी की तरह है, मतलब मम्मी ही है वो, तो उन्हें मान, रिस्पेक्ट, प्यार, इज्जत ये उन्हें बहुत चाहिए होता है और ये उनका हक है, ये तो उन्हें ज़रूर चाहिए.
कि बचपन से जिस बेटे को उन्होंने पाला है, 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उन्हें उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और फिर आपको सौंप दिया, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उन्हें इस चीज़ की तो आशा होगी कि जो बहू हमारे घर में शादी होकर आई है, इतनी उसकी आशा जरूर होगी कि उसको प्यार इज्जत रिस्पेक्ट चाहिए। तो इसलिए डॉटर इन लॉ को इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बदले में जो आप उनको दोगे, उनकी दुआएं इतनी मिलेगी आपको कि आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी और भगवान वो आपको सब कुछ देता चला जाएगा। उनका आशीर्वाद लीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। यदि मदर इन लॉ चाहती हैं कि घर के रीति रिवाज जो भी हैं वो डॉटर इन लॉ अच्छे से समझ लें, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने उस घर में जो भी रीति रिवाज निभाए हैं वो चाहेंगे कि उनकी डॉटर इन लॉ भी वैसे ही सीखे। तो ऐसे में डॉटर इन लॉ को ये नहीं समझना चाहिए कि उनकी मदर इन लॉ उन्हें ऑर्डर दे रही है या हुक्म दे रही है। ये उन्हें एक्सेप्ट करना है जो भी रीति रिवाज है, उसी तरह मदर इन लॉ को भी ये बातें प्यार से बोलनी चाहिए, ना कि ऑर्डर की तरह। आजकल के बिजी शेड्यूल में एक दूसरे को समय दे पाना बहुत ही कम हो गया है, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि आपको एक दूसरे के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। यदि दोनों वर्किंग वूमन हैं तो ज़्यादा उन्हें वक्त नहीं मिलता होगा, लेकिन जब हॉलीडे होगी, हॉलीडेज के दिन बाहर जाने का प्रोग्राम बनाएं, शॉपिंग पे जाएं, मार्केट जाएं, सरप्राइज पार्टी रखें, साथ में मूवी का भी प्लान बना सकते हैं खास स्पेशल डॉटर इन लॉ के लिए। यदि आपको पता है कि आपकी मदर इन लॉ का बर्थडे आने वाला है तो एक सरप्राइज पार्टी रखें, उन्हें स्पेशल फील करवाएं। जो अपनी सरप्राइज पार्टी रखोगे आप, उनके लिए बहुत ही स्पेशल होगा। ये कभी भूल नहीं पाएंगे कि आपने उनके लिए स्पेशल, उनको स्पेशल समझा है, उनके लिए स्पेशल डे सेलिब्रेट किया है। एक दूसरे को समझें और रिश्तों को मजबूत बनाएं। इन छोटी छोटी बातों से आप अपने रिश्तों में मिठास ला सकते हैं और जो ये मिठास होगी इसका पूरी फैमिली पे असर होगा, घर का वातावरण अच्छा होगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपके रिलेशन में सुधार नहीं आ रहा है, तकरार बढ़ रही है, बहस बढ़ रही है, तो ऐसे में मैं भी आपको जो रेमेडीज़ बताऊंगी आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। चलिए हम चलते हैं अपनी रेमेडीज़ की तरफ। सास और बहू कोम करते वक्त कभी भी जो हेयर निकलते हैं बाद में कोम में, वो आपको एक ही डस्टबिन में नहीं डालना है, दोनों के डस्टबिन अलग अलग होने चाहिए। नेक्स्ट उपाय है, आपको जौ लेने हैं। जौ आप कैसे होंगे आपको बताती हूँ, देखिए जो मेरे हाथ में है इसे जौ कहते हैं। ये जौ आपको क्या करना है देखिए, आप ये जौ है, जौ आपको क्या करना है, सैटरडे के दिन आप उसको कच्चे दूध में भिगोकर रखना है, उसके बाद उसको जल प्रवाह करना है। लेकिन जब आप जौ कौन से भी दिन ला सकते हो, लेकिन आपको सैटरडे के दिन ही रेमेडी करनी है, मदर इन लॉ का हाथ उस जौ पे लगा लेना है और ये 11 सैटरडे करना है। नेक्स्ट उपाय है, फ्राइडे एंड संडे के दिन आपको 2 तुलसी के पौधे लाने हैं। फर्स्ट आप फ्राइडे के दिन लेकर आओगे, उसे एक गमले में लगा दोगे, और नेक्स्ट आपको संडे के दिन लाना है और वही सेकंड पौधा आपको उसी गमले में लगाना है। मतलब एक फ्राइडे को लगाओगे और एक संडे को लगाओगे, 2 पौधे आपको गमले में लगाना है। उसके बाद दोनों पौधों को रेड चुनरी से कवर करना है। इवनिंग में, हर इवनिंग को आपको वहाँ दीपक लगाना है, घी का दीपक, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे रिलेशंस अच्छे हो, स्ट्रांग हो। जो भी हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार है या फिर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हमें पॉजिटिव करें, आप प्रेयर कर सकते हैं, वैसा प्रेयर कीजिए, आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट उपाय है, आपको सैटरडे के दिन चींटियों को आटा डालना है और साथ ही जो रोटी हम बनाते हैं, लास्ट रोटी आपको ब्लैक डॉग को देनी है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाला बेडरूम मदर इन लॉ का बेडरूम होना चाहिए। यदि आपका साउथ फेसिंग घर है तो दरवाजे पे येलो रंग का तोरण लगाइए, इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा और आप दोनों के रिलेशंस बहुत ही अच्छे होंगे। यदि खाना बनाने के पहले मदर इन लॉ के साथ आपकी बहस हो गई है या झगड़ा हुआ है, तो उस गुस्से में आप खाना बिल्कुल ना बनाइए, पहले मन शांत रखिए, आधा घंटा अपना मन शांत रखिए, उसके बाद ही खाना बनाने चाहिए। अगर यदि आपने गुस्से में खाना बनाया, मन में आप कोसते रहे, ये जो भी आपका मन में जो चल रहा है उनके लिए गलत, वो खाने पे इफेक्ट ज़रूर होगा। जो भी गुस्सा है वो खाने में नेचुरल निकलेगा,
वो खाना खाकर सोचिए पूरी फैमिली पर क्या असर होगा। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और खाना बनाते समय हमेशा मंत्रों का उपचार चालू रहना चाहिए। कंटिन्यू मंत्रों का उपचार चालू रखिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है। बच्चों को आशीष दीजिए, अपने हस्बैंड के लिए अच्छा सोचिए, मदर इन लॉ के लिए भी अच्छा सोचिए, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जो भी मैंने आपको आज रेमेडी बताई है, इसमें से आप एटलीस्ट 2 से 3 रेमेडीज कर सकते हैं। अगर हर घर में सास अपनी बहू को बेटी की तरह माने और बेटी को बेटी माने तो घर में बहुत सुख शांति रहेगी। ठीक उसी तरह यदि हर डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ को माँ की तरह माने तो हर घर स्वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए इस रिलेशंस में एक दूसरे की बाउंडिंग्स होने बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज मैंने जो भी इस वीडियो में आपको बताया है इस पर ध्यान दीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और कमेंट्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। घर में सेफ रहिए, ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो।